तो हेलो यार, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कुछ इस तरीके का फोटो एडिटिंग, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आपको पूरा एडिटिंग समझ में आएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो आपको लास्ट तक देखने के लिए। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। तो यार, सबसे पहले अपने फोटो को ओपन करना है स्नैपचैट ऐप के अंदर, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहले नंबर पर देख सकते हो ऑप्शन दिख रहा है टोन इमेज, उस पर क्लिक करके कलर को आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी यार कुछ इस तरीके से कलर को एडजस्ट कर लेना है। आप फोटो को कर देना है राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद देख सकते हो आपको ऊपर एक लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, लेयर पर क्लिक करके आपको नीचे देख सकते हो एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू एडिट का, उस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद टोन इमेज पर कर देना है क्लिक। करने के बाद एक छोटा ब्रश को आपको देख रहा है, उसको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, इन्वर्ट कर देना। इन्वर्ट करने के बाद अपने फेस के ऊपर से कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर देना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो इरेज हो गया, ठीक है। अब इस फोटो को क्या कर देंगे, फोटो कर देंगे राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद आपको फिर से जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। देख सकते हो पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, आपको क्लिक कर देना है डबल एक्सप्रेसर, ठीक है। उस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद एक प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उस प्लस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक बैकग्राउंड को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना। इसकी ओपेसिटी को आपको पूरा 100 करके फोटो को कर देना है राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को बैक कर देना, ठीक है। बैक करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लेयर का, ठीक है। उस लेयर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। लेयर का क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू एडिट का, उस पर क्लिक करके आपको क्लिक करना है डबल एक्सप्रेसर, ठीक है। डबल एक्सप्रेसर क्लिक करने के बाद ब्रश को आपको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। बैकग्राउंड के ऊपर आपको अप्लाई कर, साइज को पूरा 100 करके बैकग्राउंड के ऊपर आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो यार देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड ऐड कर लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करने मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी इस फोटो को कर देना है राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से आपको क्लिक करना है पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, क्रॉप का। उस पर क्रॉप पर क्लिक करने के बाद इसकी फोटो को थोड़ा आपको क्रॉप कर लें, ठीक है। ऊपर से थोड़ा आपको क्रॉप कर लें, साइड से दाएं साइड से आपको थोड़ा क्रॉप कर ले। क्रॉप करने के बाद अपना फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। फोटो को कर देना है राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद यार देख सकता हूँ हमारा फोटो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको फिर से क्लिक करना है पेंसिल ऑप्शन पर। पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है डबल एक्सप्रेसर, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक प्लस ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके एक फोटो को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। तो यार देख सकते हो एक फोटो हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अभी इस फोटो को क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करके आपको ब्लेंड ऑप्शन पर आने के बाद इसको कर देना है डार्किन, ठीक है। डार्किन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को अपने हिसाब से आपको कर लेना है। करने के बाद फोटो को आपको कर देना है राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद ऊपर एक लेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेयर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू एडिट का, उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, डबल एक्सप्रेसर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले नंबर पर डबल एक्सप्रेसर पर क्लिक करने के बाद इस ब्रश को आपको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, अपने टी शर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। मैं यार वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो यार देख सकते हो आपको सनग्लास के ऊपर भी कुछ इस तरीके से आपको कलर कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो मैं कैसे कलर कर रहा हूँ सनग्लास के ऊपर, आपको भी यार कुछ इस तरीके से कलर कर लेना है। करने के बाद देख सकते हो नीचे एक राइट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको इसको और भी ठीक ठाक करने के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोटेक्ट का, ठीक है।
प्रोटेक्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको फेस स्पॉटलाइट को आपको 30 पर रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको स्किन स्मूदनिंग को भी आपको 30 पर रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको फोटो को कर देना है राइट, ठीक है। फोटो को आपको राइट कर देना है, ठीक है। राइट करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको फिर से जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद एक सिलेक्टिव ऑप्शन दे रहा है, उसको आपको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, अपने फेस के ऊपर कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज करके ना सैचुरेशन को आपको थोड़ा डिक्रीज कर ले, ठीक है। आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ अच्छे से ब्राइटनेस आपको चाहिए आपको क्या करना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज करके सैचुरेशन को आपको डिक्रीज कर ले, ठीक है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी यार कुछ इस तरीके का कर लेना है। ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है, सैचुरेशन को आपको डिक्रीज कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो बिफोर आफ्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी इस फोटो को कर देंगे राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे तरीके एडिटिंग हो गया, ठीक है। इसको और भी ठीक ठाक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। जाने के बाद आपको क्लिक करना है डबल एक्सप्रेशन, उस पर क्लिक करने के बाद एक प्लस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, प्लस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक फोटो को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। जो भी फोटो यूज़ कर रहा मैं सारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। देख सकते हो आपने क्या करना है, आपको लाइट से कर देना है, डिपेस से कर देना है लाइट, ठीक है। लाइट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऑपोजिट को तो आपको ठीक ठाक कर लेना है। करने के बाद आपको अगर कुछ इस तरीके से आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फोटो को आपको कर देना है राइट, ठीक है। फोटो को राइट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको क्लिक करना है पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से आपको क्लिक करना है डबल एक्सिस पर। डबल एक्सिस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके एक लाइट इफेक्ट को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। इस लाइट इफेक्ट को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इसके ऊपर कुछ इस तरीके से आपको लाइट ऑप्शन पर क्लिक करके इसकी ऑपोजिट को आपको ठीक ठाक कर लेना है। करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो यार कंप्लीट हो गया एडिटिंग करना, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी ले गुड बाय फ्रेंड्स।